आवाज आ रही है? तो देखो अभी स्पाइक हो गया है ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर। ये हमारा सिलेबस इकोनॉमी से रिलेटेड है, क्योंकि भाई क्रूड प्राइस के जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है ना, इसके ऊपर पूरी इकोनॉमी डिपेंड होती है, सबकी सभी देशों की इकोनॉमी डिपेंड होती है इसके ऊपर। अगर ये गड़बड़ कर जाए तो भाई कल्याण हो जाता है, ऑल द टाइम कल्याण होता है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है भाई, क्रूड ऑयल के ऊपर। आप सबको पता भाई, क्रूड ऑयल तो है ना, मतलब जो हमारी मिडिल ईस्ट भाई, नेटवर्क दिक्कत कर रहा है, सॉरी है, नेटवर्क दिक्कत कर रहा है थोड़ा। तो न्यूज़ क्या है, द रिसेंट स्पाइक इन द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस अबव द 80 डॉलर पर बैरल मार्क हैज कंट्रीब्यूटेड टू द पेट्रोल एंड द डीजल प्राइस हिटिंग ऑल टाइम हाई इन द इंडिया। तो कह रहे कि देखो क्या हो गया है, अभी जो है ना, ये इसका प्राइस जो है ना वो बहुत ज्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो इंक्रीज कैसे हुआ है इसका? हाँ रविराज आइए पधारिए, कैसे आना हुआ? क्लास एंड नहीं हुई है? किसने कहा क्लास एंड हुई है? भाग ले बस, तू तो क्लास एंड हो गई है तेरी तो। तो देखिए हमारा जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है कि हमारा जो है ना प्राइस जो है ना 80 डॉलर पर बैरल जो है ना, ये इंक्रीज हो गया है। ठीक है, इतना हो गया है हमारा। तो ये जो है ना बहुत हाई है, इंडिया को देखे तो इंडिया ने आज तक इतना हाई नहीं देखा था जितना अभी हो गया है। ठीक है, तो सिंस हिटिंग ए लो ऑफ द 16 डॉलर पर बैरल ऑन द 22 अप्रैल 2022। भाई देख लो, अप्रैल 2022 में सिर्फ और सिर्फ 16 था, 16 डॉलर था, और अभी कितना हो गया? 80 हो गया, 80 डॉलर हो गया, एकदम से इतना हाई गया है। ठीक है, इतना हाई। और आप सबको पता है भाई इसके बारे में, तो सीधी सी बात है, मिडिल ईस्ट के अंदर, मिडिल ईस्ट की जो जितने भी हैं वहां पर, जितने भी तेल के कुएं हैं, तेल के कुओं के ऊपर जो है ना, जो गरीब देश हैं जिनके पास तेल के कुएं हैं, वहां पर है ना टेररिस्ट बैठे हैं, टेररिस्ट बैठे हैं, जैसे अलकायदा वगैरह है, ये सारे बैठे हुए हैं, मस्त जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2023, इट हैज राइजन नेवर नियरली 55% फ्रॉम द 51.8 डॉलर से लेकर के कब तक पहुंच गया? अभी सितंबर में 81 डॉलर पहुंच गया भाई, कितना बढ़ गया है। ठीक है, पहले कहाँ थोड़े से रुपए में मिल रहा था, 22 डॉलर में मिल रहा था, सॉरी 16 डॉलर में मिल रहा था, फिर बढ़ करके 54 डॉलर हुआ, सॉरी 51 डॉलर हुआ, फिर बढ़ करके कितना हो गया? 81 डॉलर हो गया। तो भाई कितना बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, मजे ले रहे हैं, तो पैसा कमा रहे हैं पर बैरल, इतना पैसा जो है ना वो कमाए जा रहे हैं। तो द राइज हैज बिन शार्प ओवर द लास्ट सिक्स वीक फ्रॉम द 65 डॉलर पर बैरल ऑन द अगस्त 2023। तो कह रहे हैं कि अगस्त 2023 को 65 डॉलर पर बैरल से पिछले 6 सप्ताह में वृद्धि तेज रही है। तो पहले मतलब अभी भी सिर्फ और सिर्फ 65 डॉलर पर बैरल था, लेकिन अभी बढ़कर कितना हो गया? 86 पर बैरल हो गया है। ठीक है भाई, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, धीरे धीरे पता नहीं कहाँ पहुंचेगा ये जाकर के, कौन से आसमान को छूने की तैयारी में है ये, कौन सा इसने मतलब नया वो अपनाया है कि मैं तो भाई आसमान में पहुंचूंगा, आसमान को छू के आऊंगा, है ना? तो वो काम कर रहा है ये। फिर देखो उसके बाद जो है ना, क्रूड ऑयल प्राइस हैव राइजन शार्पली इन द 2021 ऑन द बैक ऑफ द रिकवरी इन द ग्लोबल डिमांड ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी रिकवर्ड फ्रॉम द कोविड-19। भाई कोविड के टाइम पे ना इनके इतने इतने प्राइस इतने लो हो गए थे ना, इससे ज्यादा लो हो गए थे। ठीक है, बहुत लो हो गए थे, लेकिन अभी जो है ना, अभी क्या हो गए, ये अभी ये मतलब जैसे रिकवरी हुई है हमारी, और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो सप्लाई रिस्ट्रिक्शंस, एक काम कर सुप्रिया, अपना यूट्यूब को अपडेट कर ले, अपडेट कर ले बहन। तो हमारे जो सप्लाई रिस्ट्रिक्शंस रिस्ट्रिक्शंस मेंटेन्ड बाय द ओपेक प्लस ग्रुपिंग। तो ओपेक प्लस ग्रुपिंग कौन होती है? ऑयल वाली, जो ऑयल प्रोडक्शन कर रही होती है ना कंट्रीज, वो इसके क्या होते हैं, वो इसके अंदर जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं। तो मिडिल ईस्ट के सारे जितने भी ऑयल प्रोडक्शन करने वाली कंट्री हैं, वो इसका पार्ट होती हैं। ठीक है, तो हैव किप्ट इंटरनेशनल ऑयल प्राइस, तो इन्होंने है ना अपने ऑयल प्राइस को हाई करके रखा है, ऊंच रखा है। तो दीज ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमीज हैव सिग्नल्ड लो प्रोडक्शन इंक्रीज विच हैज लेड ए राइज इन द गैस प्राइस एज वेल। तो कह रहे कि ठीक है भाई, ऑयल में तो हो गया,
ऑयल तो हो गया ज्यादा महंगा, साथ साथ कह रहे हैं कि साथ में जो है ना गैस का प्राइस भी इंक्रीज किया जाएगा। तो ये शॉर्टेज ऑफ द गैस इन द यूरोप एंड द एशिया हैज फर्दर बूस्टेड द डिमांड फॉर द ऑयल एंड द ऑयल फॉर पावर जनरेशन। तो क्या है कि यूरोप में और एशिया के अंदर जो है ना अभी गैस की शॉर्टेज चल रही है, जिस वजह से हम लोग कह रहे हैं, जिस वजह से डिमांड बढ़ गई है किसकी, ऑयल की, पावर जनरेशन करने के लिए। अब गैस नहीं आएगी तो भाई कहीं से तो कुछ तो चाहिएगा ना। गैस के थ्रू हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जो है ना पावर जनरेट कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे। अब क्या करना पड़ेगा, उसकी जगह पर हम लोगों को ऑयल का यूज करके जो है ना पावर जनरेट करना पड़ेगा, और तब जा करके हम अपने जो है ना चीजें यूज कर पाएंगे, ठीक है, बना पाएंगे। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इससे इंडिया के ऊपर, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत में सभी समय के उच्च स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कमियों में कीमतों में योगदान दिया है। हमारे जो डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, ठीक है, आप सबको पता बहुत हाई होती जा रही है पेट्रोल और डीजल की कीमतें, ठीक है। तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस इन ईंधनों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के 15 दिवसीय रोलिंग औसत के लिए आंकी गई है। तो हमारे जो 15 दिन के अंदर जो है ना इंटरनेशनल प्राइस जो होते हैं फ्यूल के, वो चेंज होते रहते हैं, तो उसके हिसाब से हमारे जो है ना ये आते हैं, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद जो है हमारा केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा उच्च करों ने खुदरा कीमतों में भी कहीं अधिक योगदान दिया है। तो इन्होंने रिटेल प्राइस जो होते हैं ना हमारे वो भी हाई कर दिए हैं इनकी वजह से। फिर देखो एनालिस्ट पॉइंट आउट दैट द इंक्रीज ऑयल प्राइसिंग रिफ्लेक्ट ग्रोइंग डिमांड इन द इकोनॉमी एंड द इक्विटीज ऑफन डिलीवर मोर देन द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन दैट द ऑयल सर्ज में लेट टू। ये कह रहे कि विश्लेषक जो होते हैं, जिन जो विश्लेषण करते हैं इन चीजों का, उनका कहना है कि तेल की बढ़ती कीमतें जो है ना अर्थव्यवस्था की में मांग बढ़ती मांग को दर्शाती है, कि हम सबको पता है हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, तो उसको ये दर्शाती है। और ये है ना काफी सारे अवसर जो है ना वो मुद्रा स्फीति से को अधिक बनाने में भी क्या करती है, उसमें भी पार्टिसिपेट कर रही है, तो हमारी जो इन्फ्लेशन है उसको भी बढ़ा रही है, बढ़ाने का काम कर रही है, ठीक है। कहाँ चला रवि, तो इन द लाइन विद द ऑयल प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटीज इंक्लूडिंग ऑयल हैव बीन राइज। तो ये कह रहे भाई अगर ऑयल बढ़ गया ना, ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो उसके साथ साथ सब कुछ बढ़ेगा, चाहे कोयल के मतलब कि कोयले के हों, ठीक है, चाहे हमारी गैस के प्राइस हो, सबके बढ़ेंगे, सब बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, इन्फ्लेशन आएगा फिर, ठीक है, और ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा स्टॉक एंड द बॉन्ड्स के ऊपर, तो जो हमारा BSE बेसिक मिनरल्स इंडेक्स हैज राइज मोर देन 3 टाइम फ्रॉम ए रो ऑफ द 1761 ऑन द अप्रैल 3, 2020 से लेकर के 5000 तक पहुंच गया ये, क्या 1000 से कहाँ तक पहुंच गया, ये हमारा 5000 तक पहुंच गया है। दिस रिफ्लेक्ट द जर्नल व्यू दैट द इकोनॉमिक रिकवरी विल स्ट्रेंथन गोइंग फॉरवर्ड। इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि भाई आर्थिक सुधार आगे आगे बढ़ने को मजबूत करेगा इसको, ठीक है। तो द फॉर द बॉन्ड बॉन्ड के लिए अगर देखें तो सेंट्रल बैंक पॉलिसीज विल प्ले ए फार ग्रेटर रोल देन द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द राइजिंग ऑयल प्राइस। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है ना वो ज्यादा इसके ऊपर इफेक्ट कर रही है, ना कि ऑयल के प्राइस, ठीक है। अच्छा, फॉर इक्विटी इन्वेस्टर जो मतलब क्या करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दे कैन इंक्रीज देयर एक्सपोजर टू अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज विच बेनिफिट देयर फ्रॉम द राइजिंग प्राइसेस। तो अगर किसी को बॉन्ड लेने ही है, किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो भाई दो तेल वाली कंपनियों में करो, ऑयल कंपनी में करो, क्योंकि आजकल बढ़ रहा है भाई, प्राइस बढ़ रहा है इनका। राम राम अंकित। तो इन सेक्टर वेयर ऑयल इज अ मेजर कॉस्ट कंपोनेंट इन नेगेटिव रिएक्शन ऑन द रिटर्न कैन बी एक्सपेक्टेड। तो कह रहे अगर ऐसे ही सेक्टर के अंदर मेजर 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 कॉस्ट कंपोनेंट होते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा, तो नेगेटिव रिएक्शन ऑन द रिटर्न जो है वो